अभी हम निकले हैं बीकानेर से और आज हमारी डेस्टिनेशन है संगरिया राजस्थान। तो ऑलमोस्ट यहाँ से है 250 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे लगेंगे। पहुंच चुके हैं घर पे। 2000 years later हरियाणा में स्वागत है। यहाँ पर सभी ने सोलर लगा रखे हैं, बढ़िया है। ये फूफा जी का घर और ये फूफा जी ने भी यहाँ पे सोलर फिटमेंट किया हुआ है। वैसे तो अच्छा है यार, सोलर से काफ़ी बिजली की बचत हो जाती है और एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। अच्छा है, यहाँ आसपास कुछ ज़्यादा घर नहीं है, बट जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े मतलब शांति वाला है। यहाँ देखोगे आप, लोगों ने घरों में क्यारियाँ लगा रखी है और सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। ये फूफा जी ने भी डालो, सभी डालो। मैं बोले वरने कोई बुड्ढा कौन जाओगे, बोले क्यों नहीं बुड्ढा को नहीं आओगे, छोरे के बाप की शर्त बनना भी कोई बुड्ढा को नहीं आओगे। लव मैरिज थी हाँ, तो सब सुना था ना वो कोई छोरा लव मैरिज थी, वो छोरे के बाप राजी हो बात पे भाई ब्याह तो मैं कर दूंगा छोरी तथा कोई बुड्ढो बरात में नहीं आना तुम्हारा। वो कह यार ये मतलब है बुड्ढा तो माँ बाप थोड़े लुट जाए, बोले तेरे जैसा कर ना कर कौन दू छोरी मैंने, बोले ठीक है भाई। वो सारा बुड्ढा बड़ा क्या करके मना लिया भाई थे ना जाओ यार मैंने मेरा ब्याह जाओ वो नानो उड़ गए छोरा को, बोले मैं तो जाऊँ पहले बोरी मंगा के ले जाओ, बोरी मंगा के ले जाओ जाऊँगा जरूर। बोले ना बढ़ गयो, बोले मैं जाऊंगा, बोले क्या ले चलना पोतो ला गए, बोले हमने कट्टा बांध लियो लिखी में घेर लियो ने वो छोरी बाप सोचा आ गया भाई बुड्ढो एक ही नहीं, बोले देख लो बुड्ढो एक मार वो क्या मैं फंस गया क्या बनाऊ क्या मैं जाऊ वापस। बोले यहाँ हमारा घर का पिछला पास नदी है, ये नदी में पानी जगह दूध बात होने सारो तो मैं ब्याह करता हूँ सारा। अबे फंस गया, बोले दूध इतना दूध घुट लिया मैं कई देर सोचता रहे बोला भी कोई बात मैंने चलो भी वापस भाई दोस्त कर लाग बोले नाना ने क्यों मारो उन्हें काट लिया बेचारा ने ब्याह की टाल होगी उन्हें काट लियो ओले से बाहर ले साइड में जा काट लियो। बोले अरे क्या बात हुई, बोले वो तो यही बात पड़ गयो सुनो ना कोई बात थे उन्हें जाओ वापस। बोले के बोले से उन्होंने कहा नदी को पानी खाली करा दे मैं दूध वो जाके ही बोला कह रही माना थारी शर्त मंजूर है हाँ। वो पानी खाली कराओ मैं दूध बहा देगा। बोले बुड्ढो ढूंढ के लिया बुड्ढो कोड़ा है सो फाइनली यार दिल्ली पहुंच चुका हूं आफ्टर 14 डेज, मतलब 14 दिन हो चुके हैं। आज 14वां दिन है जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और बहुत बढ़िया रहा पूरा जो ट्रिप है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। और आज जो है आज भी मुझे वैसे कल आना था बट मैं आज आ गया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा अर्जेंट काम पड़ गया जिसके कारण से मुझे आज ही आना पड़ा। वैसे तो त्यौहार फैमिली के साथ ही बनाए जाते हैं बट कुछ काम ही ऐसा था। सो अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मेरा जो ट्रिप है वो जैसलमेर से होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ और जो मेरा ट्रिप है वो बहुत ही शानदार रहा। तो अगर आप मेरी बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। सो आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, क्योंकि बहुत सारे प्लानिंग है 2022 के लिए, आई होप कि एग्जीक्यूट हो पाएंगे अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।